नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, पिछली ट्रबल शूटिंग में मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट के बारे में बताया था। इस ट्रबल शूटिंग में हम बात करेंगे दोस्तों बबल्स के बारे में। बबल जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप पेट प्रीफॉर्म बना रहे हो या प्रीफॉर्म इंडस्ट्री में हो तो आपको ये पता होगा कि जो पेट है, पेट की समस्या में जो बबल है, बबल बहुत ज़्यादा है। पेट में ये बबल वाली दिक्कत जो है ना दोस्तों, ये बहुत आती है और आप लोग इससे परेशान होते होंगे। कुछ बेसिक स्टेप, बहुत ही तीन चार स्टेप्स में इसको समझना है आपको कि ये बबल्स क्यों होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। तो बबल जो है ये हॉलो अपेयरिंग इन द प्रीफॉर्म। अब हॉलो अपेयरिंग मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हॉलोनेस हो जाता है आपके प्रीफॉर्म के अंदर। क्या होता है दोस्तों? हॉलोनेस हो जाता है, हॉलो हो जाता है। हॉलो का मतलब होता है कि यहाँ पे ये फूलने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके वो जो है वो फूलने लगते हैं यहाँ पे, तो ये हॉलोनेस आ जाता है। और इससे क्या होता है, ये क्यों होता है? साइड वॉल पे जो है आपकी इंट्रैप्ड एयर या गैस फॉर्मेशन जो है, जब आपका जो एयर होता है, जो गैस होता है, जब मेल्ट में जब आप उसको प्लास्टिसाइज कराते हो फंस जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, जो आपकी साइड वॉल होती है, जैसे प्रीफॉर्म की ये जो साइड वॉल्स होती हैं, जैसे ये आप वॉल देख रहे हो, ये जो साइड्स होते हैं प्रीफॉर्म के, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जो कॉर्नर साइड्स पे इस तरीके से बबल जैसा आपको दिखने लगता है, फूला हुआ थोड़ा सा दिखने लगता है। तो इसमें क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं, इसके रीजंस क्या क्या हैं वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप देखिए ए पे देखते हैं, पॉइंट क्या है, गैस और एयर इंट्रैप्ड इन द मेल्ट ड्यूरिंग द प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, गैस या एयर, गैस और एयर मतलब कि जो आप जो गैस बनती है या हवा जो है इंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाती है, इन द मेल्ट ड्यूरिंग द प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस। अब प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें आपका मटेरियल दाने से जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है आपके बैरल के अंदर। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस के दौरान अगर आपकी गैस या एयर जो है वो फंस गई है ड्यू टू इनसफिशियंट मेल्ट कंप्रेशन, अगर प्रॉपर आपके स्क्रू का कंप्रेशन नहीं है, उसके कारण जो है यहां पे अगर आपका एयर या गैस फंस जा रहा है आपके बैरल में, तो क्या दिक्कत होती है, आपका बबल आने लगेगा आपके प्रीफॉर्म में। तो उसको दोस्तों ट्रबल शूट करेंगे। तीन बेसिक मेथड हैं। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि गैस या एयर फंस जा रहा है मेल्ट में, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंक्रीज स्क्रू बैक प्रेशर, आपको जाके अपना सेटिंग्स में स्क्रू का बैक प्रेशर जो है दोस्तों उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। जब बैक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी एयर को निकालेगा और प्रॉपरली आपका मटेरियल जो है मेल्ट हो पाएगा। नेक्स्ट है एडजस्ट स्क्रू बैक पोजिशन टू प्रोवाइड सफिशियंट कुशन। अब जो आपका स्क्रू का जो बैक पोजीशन होता है, जब स्क्रू पीछे आता है तो उसको प्रॉपरली एडजस्ट करिए ताकि जो है आपका कुशन जो है वो बच सके। नेक्स्ट है चेक फॉर प्लास्टिक ब्रिजिंग। अब प्लास्टिक ब्रिजिंग का मतलब जब आपका मटेरियल जो है हॉपर से बैरल में आता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हॉपर है और ये आपका बैरल है, ये रफ एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो हॉपर से जब ये बैरल में आता है आपका मटेरियल, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसको हम दोस्तों कहते हैं ब्रिजिंग। तो वो आप चेक करिए कि आपका जो फीड जोन, यहीं पे आपका फीड जोन होता है, तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे ब्रिजिंग ना बन पाए। चेक करिए, अगर ब्रिज बन रहा है तो उसको साफ कर दीजिए। साफ करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इस दिक्कत से अगर आपका बबल आ रहा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी समस्या जो होती है, एयर इज ड्रॉन इन ड्यू टू एक्सेसिव डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन मतलब कि यहां बात हो रही है, डिकम्प्रेस कब होता है, सक बैक के दौरान। जब सक बैक होता है वहां पे जो है अगर इनसफिशियंट एयर इज ड्रॉन ड्यू टू एक्सेसिव डिकम्प्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा आपका सक बैक हो रहा है, तो ये दिक्कत होती है। उस दौरान आपको क्या करना है, रिड्यूस डिकम्प्रेशन, डिकम्प्रेशन को कम करिए, मतलब कि सक बैक को आपको कम करना है बाय रिड्यूसिंग पुल बैक स्ट्रोक, मतलब सक बैक पोजीशन से आप उसको, यहां पे पुल बैक स्ट्रोक मतलब कि सक बैक पोजीशन की बात कर रहा है, तो सक बैक पोजीशन कम करेंगे तो ये जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद पुल बैक ड्वेल टाइम, या तो
आप जो है सकबैक टाइम पे अगर वो है तो आप टाइम को कम कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट है प्री मैच्योर मेल्टिंग ऑफ द रेसिन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सटीरियर फीड जोन टेम्परेचर। प्री मैच्योर, कोई चीज़ प्री मैच्योर कब कही जाती है? जब वो चीज़ मैच्योर होने के पहले ही हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा प्री मैच्योर मेल्टिंग। मेल्टिंग कहाँ होता है दोस्तों? मेल्टिंग हमारा बैरल में आके होता है, आपका जो रेसिन होता है। तो यहाँ पे प्री मैच्योर मेल्टिंग ड्यू टू एक्सेसिव एक्सटीरियर फीड जोन, मतलब जो ये फीड जोन है आपका, ये जो आपने आपका फीड जोन था, अगर यहाँ पे आपने टेम्परेचर ज़्यादा रखा है तो मटेरियल जो है यहीं पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, शुरुआत में ही पहले ही जोन में आपका मेल्ट होने शुरू हो जाता है, तब ये समस्या आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिड्यूस एक्सट्रूडर फीड जोन टेम्परेचर। आपको एक्सट्रूडर का फीड जोन टेम्परेचर जो है, फीड जोन के टेम्परेचर को कम करेंगे तो आप आसानी के साथ दोस्तों जो है अपने बबल्स को सॉल्व कर लेंगे, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए, जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।